था और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ, फैसले के खिलाफ विरोध में कांग्रेस का ये मौन सत्याग्रह हो रहा है, जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में ये कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है। रायपुर के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह हो रहा है, जहां पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम धरने पर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी की सजा के खिलाफ आए फैसले का ये सभी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल भी गांधी मैदान में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। पीसीसी चीफ मरकाम समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, राहुल गांधी की सजा के खिलाफ आए फैसले का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, देश भर में ऐसा विरोध देखा जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अब सत्याग्रह कर रही है। कौन कौन से नेता मौजूद हैं और क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि फैसला तो न्यायपालिका के द्वारा आया है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? देखिए, जैसे कि कांग्रेस ने पहले से तय किया हुआ था कि राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है उसका वो देश भर में विरोध करेगी, तो उसी कड़ी में आज रायपुर में भी मौन धरने का आयोजन किया गया है। और ये जो मौन धरना है वो गांधी मैदान में चल रहा है और सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं इस धरने में शामिल हुए हैं, उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव हैं, कुमारी शैलजा हैं और इसके साथ ही जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो तो मौजूद हैं ही हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मौन धरना करीब 5 बजे तक चलेगा, तो इस बार सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला ये कांग्रेस का धरना है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रमुख कांग्रेस के नेतागण जो है मौजूद हैं और एक आलाकमान के प्रति अपनी जो है आस्था दिखाने की भी इस पूरे प्रदर्शन के जरिए कोशिश की जा रही है। और लगातार ये धरना जारी है, मौन सारे कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं। साथ में यहाँ पर मैं खास जिक्र इस बात का भी कर दूं कि जो तीन जोड़ी 2018 में हमें देखने को मिली थी, चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव, ये तीनों जोड़ी एक साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है मंच में, तो कार्यकर्ताओं में भी मैसेज। सत्याग्रह शुरू हो चुका है, राहुल गांधी के खिलाफ फैसला जो आया उसके विरोध में ये सत्याग्रह किया जा रहा है और एक संदेश देने का प्रयास कांग्रेस कर रही है।